हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं प्रोफेसर निलेश आनंदवाणी और आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज हम जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो है नीट DPP5 और हम MCQ जो लेने वाले वो है जनरल बायोलॉजी सब्जेक्ट में से। तो मैं आपको आज 10 MCQ एक्सप्लेन करूँगा डिटेल में, और उन 10 MCQ को एक्सप्लेन करने के लिए मैं मेरा पेन टैबलेट का यूज़ करने वाला हूँ। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। ये देखिए हमारे सामने पहले दो क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1, DNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज। ये देखिए DNA डिपेंडेंट मतलब DNA के ऊपर डिपेंड रहने वाली RNA पॉलीमरेज एंजाइम इज यूज्ड इन। तो DNA डिपेंडेंट इस एंजाइम को हम जनरली क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं DDRP, मतलब DNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज। दिस एंजाइम इज यूज्ड इन ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, ट्रांसडक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये पहले चारों प्रोसेस का मतलब समझ लीजिए। ट्रांसक्रिप्शन का मतलब क्या होता है, ये देखिए ये हमारे सामने है DNA। तो DNA मॉलिक्यूल में से जब हम mRNA बनाते हैं इसे हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। और ट्रांसलेशन का मतलब क्या होता है, जब mRNA मॉलिक्यूल tRNA मॉलिक्यूल के साथ पेयरिंग करता है तो इस वाली प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसलेशन। ट्रांसडक्शन का मतलब क्या होता है, यह है बैक्टीरिया और यह है बैक्टीरियोफाज। तो जब बैक्टीरियोफाज बैक्टीरिया के ऊपर अटैक करते हैं, तो इस वाली प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसडक्शन। और ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है जब एक बैक्टीरिया के कैरेक्टर दूसरे कैरेक्टर में ट्रांसफर हो तो उस वाली प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये जो है DNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज, ये कहाँ यूज होती है, देखिए नीचे आपको एक डायग्राम दिखाई दे रही है। ये देखिए ये है हमारे सामने DNA मॉलिक्यूल, और इस DNA मॉलिक्यूल में से बीच में क्या बन रहा है, ये मॉलिक्यूल बन रहा है mRNA मॉलिक्यूल। तो ये देखिए ये है mRNA मॉलिक्यूल। तो ये mRNA मॉलिक्यूल जो बन रहा है वो प्रोसेस को क्या कहेंगे हम, DNA में से अगर mRNA मॉलिक्यूल बनता है तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे ट्रांसक्रिप्शन। और ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस करने के लिए एंजाइम कौन सी लगती है, RNA पॉलीमरेज। तो ये देखिए हमारा फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन निकल के आ गया है ए, दैट इज RNA पॉलीमरेज। क्वेश्चन नंबर 2, बैक्टीरियल स्पीसीज विच इज कॉजिंग ट्यूबरक्यूलोसिस इज। तो ट्यूबरक्यूलोसिस का मतलब होता है TB। तो TB कौन से बैक्टीरिया से होती है, यहां पे देखिए साल्मोनेला टाइफी। अब ये जो है साल्मोनेला टाइफी, इससे तो हम जनरली हमें जो बीमारी होती है फीवर होता है वो होता है टाइफॉइड। और ये जो सी जो है लैक्टोबैसिलाई बैक्टीरिया ये जनरली मिल्क का कन्वर्जन कर्ड में करते हैं, दे आर कर्ड फर्मेंटिंग बैक्टीरिया। और मिल्क गेट कन्वर्टेड इनटू कर्ड, ये बैक्टीरिया होते हैं लैक्टोबैसिलस। अब ये कॉर्नी बैक्टीरियम जो होते हैं, कॉर्नी बैक्टीरियम ये हमारी बॉडी में डिप्थेरिया नाम की बीमारी कॉज करते हैं, डिप्थेरिया। और इन बैक्टीरिया को हम कहते हैं कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थेरिया, डिप्थेरिया कॉज करते हैं। और ये वाले जो बैक्टीरिया बच गए हमारे सामने वो है हमारा आंसर माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूली विच कॉजेस TB। ये देखिए मैं आपको एक डायग्राम बताता हूँ, ये देखिए ये है ट्यूबरक्यूलोसिस मतलब TB। तो ये TB जो है वो कौन से बैक्टीरिया से होता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूली ये बैक्टीरिया है। मूविंग टुवर्ड्स अ क्वेश्चन नंबर 3, पोमेटो इज अ एग्जाम्पल ऑफ। तो पोमेटो किसका एग्जाम्पल है, प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन, सिंगल सेल प्रोटीन, जीन थेरेपी और ग्राफ्टिंग। मैं आपको चारों का मतलब समझा देता हूँ पहले। अब प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन का मतलब क्या होता है, मान लो ये वाली एक सेल है और ये वाली एक सेल है, इन दोनों सेल को हम आधा आधा कट कर लेते हैं, हाफ हाफ कट कर लेते हैं। तो ये वाली सेल हाफ और ये वाली सेल हाफ, अगर हम इन दोनों को ज्वाइंट कर दें एक केमिकल से जिसे हम कहेंगे पॉलीथिल ग्लाइकॉल, तो ये ज्वाइंट हो जाएंगे और ज्वाइंट होने के बाद एक नई सेल बन जाएगी, इसे हम कहेंगे प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन। जैसे आपके सामने है पोटेटो प्लस टोमेटो, तो अगर आप पोटेटो और टोमेटो के सेल को फ्यूज कर देते हो
पोलीथिल ग्लाइकोल नाम के केमिकल से, तो वो क्या बन जाएगा, पोमेटो बन जाएगा। तो ये टेक्निक होती है प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन और हमारा आंसर भी ये सही है। लेकिन फिर भी हम आगे सब चीज़ें जान लेते हैं, ऑप्शन का मतलब क्या होता है। तो सिंगल सेल प्रोटीन क्या होता है, सिंगल सेल प्रोटीन वो वाला प्रोटीन होता है जो यूनिसेल्युलर एल्गी प्रोड्यूस करते हैं, जैसे है क्लोरेला, क्लोरेला यूनिसेल्युलर एल्गी है, ये सिंगल सेल प्रोटीन प्रोड्यूस करते हैं। उसके बाद बैक्टीरिया होते हैं मिथाइलोफिलस, मिथाइलोट्रोपस, मिथाइलोफिलस मिथाइलोट्रोपस और ब्लू ग्रीन एल्गी, ये जो तीनों हैं ये सिंगल सेल प्रोटीन प्रोड्यूस करते हैं। जीन थेरेपी एक ऐसी थेरेपी जिसमें हम डिफेक्टिव जीन को रिप्लेस करते हैं, किससे रिप्लेस करते हैं, बाय यूजिंग अ नॉर्मल जीन, सो दैट इज कॉल्ड जीन थेरेपी। और ये है ग्राफ्टिंग, मतलब अगर आप किसी को कोई ऑर्गन डोनेट करते हो या तो किसी से कोई ऑर्गन रिसीव करते हो तो इस टेक्निक को हम कहते हैं ग्राफ्टिंग, ऑर्गन डोनेशन और ऑर्गन रिसिपिएंट, इट्स कॉल्ड ग्राफ्टिंग। तो इसका हमारा आंसर हो जाता है प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन। मैं आपको पोमेटो का डायग्राम बताता हूँ, ओरिजिनल डायग्राम। ये देखिए एक ओरिजिनल प्लांट है, इस प्लांट में प्रोटोप्लाज्मिक फ्यूजन करने के बाद, सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन करने के बाद, या तो प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन करने के बाद पोटेटो और टोमेटो की सेल को मिक्स कर दिया, और मिक्स करने के बाद एक नया प्लांट आया। अगर आप उस प्लांट को सॉइल के अंदर ग्रो करते हो तो क्या होगा, नीचे आएंगे पोटेटो, नीचे आएंगे पोटेटो और ऊपर जो आएंगे वो हो गए टोमेटो। तो ये है, यस ये है टोमेटो और ये है पोटेटो, और इस प्लांट को हम कहते हैं पोमेटो। ये 12 CBSE में दिया हुआ है हमें, एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन प्लान चैप्टर में। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। पूसा सदाबहार क्या है, पूसा सदाबहार इज अ मॉडिफाइड वैरायटी ऑफ, इट्स अ वैरायटी ऑफ चिल्ली, वैरायटी ऑफ पोटैटो, वैरायटी ऑफ व्हीट और वैरायटी ऑफ शुगर क्रेन। तो मैं आपको इसका फोटो ही दिखाता हूँ डायरेक्ट, ये देखिए पूसा सदाबहार, ये किसकी वैरायटी है, चिली की वैरायटी है। पूसा सदाबहार इज अ वैरायटी ऑफ चिली। पहले ये जो चिली है, नॉर्मल चिली जो होते हैं, नॉर्मल चिली को काफ़ी सारे वायरल इन्फेक्शन लगते थे, लेकिन ये पूसा सदाबहार ये प्लांट ब्रीडिंग टेक्निक से बनाई गई हुई एक नई प्रकार की मिर्च है, और इस मिर्ची में, इस वाली चिली में ये वायरल इन्फेक्शन नहीं होते हैं, तो ऐसे हम कहते हैं पूसा सदाबहार। ओके, सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए चिली। मूविंग टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 5, गाइस आप भी आंसर देते रहिए बीच बीच में, मैं जब एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपका तब तक आंसर आ जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6, देखिए मैं पेन चेंज कर लेता हूँ, पेन का कलर। सो व्हाट इज अगार अगार पाउडर विच एक्ट एज अ सॉलिडिफाइंग एजेंट यूज्ड इन टिश्यू कल्चर इज ऑब्टेन फ्रॉम। तो हमें कहा गया, ये देखिए ये है अगार अगार पाउडर, क्या ये, ये है अगार अगार पाउडर। तो अगर आप अगार अगार पाउडर को यूज करते हो तो अगार अगार पाउडर का क्यों यूज करते हैं, ये देखिए हमारे सामने एक वेसल है, आप बीकर लो, फ्लास्क लो, तो हमने एक फ्लास्क लिया हुआ है, मान लो इसमें हमने 100 ml वाटर ऐड किया हुआ है, जनरली हम सलाइन वाटर ऐड करते हैं, और 3 ग्राम हम क्या ऐड करेंगे इसमें, इसमें हम 3 ग्राम ऐड करेंगे अगार अगार पाउडर, और इसमें हम टिश्यू कल्चर करने के लिए क्या यूज़ करेंगे, MS मीडियम यूज़ करेंगे। MS मीडियम का मतलब होता है मुराशिग एंड स्कूग, मुराशिग एंड स्कूग। तो ये है MS मीडियम, ये एक्चुअली एक प्रकार के न्यूट्रेंट है जो हम टिश्यू कल्चर के लिए यूज करते हैं। तो अगर हम 5 ग्राम ये अगर 5 ग्राम ये मुराशिग एंड स्कूग मीडियम लें, 3 ग्राम अगर अगर पाउडर लें और 100 ml पानी ले लें सलाइन वाटर, तो इसको गर्म करने के बाद हम क्या करेंगे, इसको टेस्ट ट्यूब में डालेंगे, हर टेस्ट ट्यूब में हम 10 ml न्यूट्रेंट डालेंगे, और फिर टेस्ट ट्यूब को हम स्लैंटिंग कर देंगे ऐसे, ऐसे चला देंगे, और ऊपर से हम उसके ऊपर कॉटन प्लग लगा देंगे।
तो ये जो इसके अंदर हम जब लिक्विड डालेंगे ना, वो लिक्विड का किस में कन्वर्ट हो जाएगा, उस लिक्विड का कन्वर्जन हो जाएगा जेल में। और ये जेल में कौन कन्वर्ट करता है, जेल में कन्वर्ट करता है अगर अगर पाउडर। तो ये हमें पूछा गया कि अगर अगर पाउडर किस में से मिलता है। एक्चुअली अगर किस में से मिलता है सिर्फ यही मैं डिस्कस करता तो कुछ फ़ायदा नहीं होता। आपको ये भी पता होना चाहिए कि अगर अगर पाउडर है क्या चीज़। तो अगर अगर पाउडर एक सॉलिडिफाइंग एजेंट है। क्या है ये? ये एक सॉलिडिफाइंग एजेंट है जो जनरली एक प्रकार के रेड एल्गी से मिलता है। ब्राउन एल्गी सॉर्गेसम रॉन्ग, ग्रीन एल्गी क्लोरेला रॉन्ग, ब्लू ग्रीन एल्गी रॉन्ग। सो सही आंसर है इसका रेड एल्गी। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। मेटाबॉलिज्म ब्रिंग्स अबाउट, तो मेटाबॉलिज्म क्या क्या होता है और कैसे की जाती है, तो ये देखिए मेटाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म ऑफ फूड, एनाबॉलिज्म ऑफ फूड, डाइजेशन ऑफ फूड और ऑल ऑफ अबाउट। तो मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या होता है, मेटाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिज्म के मेनली दो मतलब होते हैं, एक होता है कैटाबॉलिज्म और एक होता है एनाबॉलिज्म। तो कैटाबॉलिज्म में हम क्या करते हैं, फूड मटेरियल को कट करते हैं, और एनाबॉलिज्म में हम क्या करते हैं, फूड मटेरियल को फॉर्म करते हैं। तो कैटाबॉलिज्म मतलब कटिंग और एनाबॉलिज्म मतलब फॉर्मेशन। तो मेटाबॉलिज्म में कैटाबॉलिज्म भी आता है, एनाबॉलिज्म भी आता है, और ये कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म हम क्यों करते हैं, ताकि हम फूड को डाइजेस्ट कर सकें। तो इसका आंसर बन जाता है डी, ऑल ऑफ अबाउट। ओके गाइस, तो मूविंग टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 7 and 8। सेवन नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। वॉट इज ट्रू रिगार्डिंग ग्लाइकोलिसिस, ग्लाइकोलिसिस पाथवे से रिलेटेड इनमें कौन सी चीज ट्रू है, कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। सो पहला स्टेटमेंट है में हमारे सामने, ग्लाइकोलिसिस इज ऑल्सो कॉल्ड एच एस के पाथवे। अब एच एस के का मतलब होता है हैच स्लेक एंड कोरशक, हैच स्लेक एंड कोरशक पाथवे, एच एस के पाथवे। तो ये वाला था स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि ग्लाइकोलिसिस को हम कहते हैं ई एम पी पाथवे। ई एम पी का मतलब होता है एम एम बे डन मेयर ऑफ एंड पर्नर पाथवे। ये तीन साइंटिस्ट थे, एम्बेडन, मेयर ऑफ एंड पर्नर, इन तीनों ने डिस्कवरी की थी ग्लाइकोलिसिस की, तभी हम इनको कहते हैं ईएमपी पाथवे। तो ईएमपी होता तो सही होता, लेकिन ये वाला स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि ग्लाइकोलिसिस को ईएमपी कहते हैं, एचएस को नहीं कहते हैं। एचएस के एक्चुअली C4 पाथवे होता है। दूसरा स्टेटमेंट, ग्लाइकोलिसिस प्रोड्यूसेस नेट एटीपी टू मॉलिक्यूल। देखते हैं ग्लाइकोलिसिस में दो एटीपी प्रोड्यूस होते हैं, तो ये देखिए हमारे सामने ग्लाइकोलिसिस है, 10 स्टेप रिएक्शन है। अब इस वाली स्टेप में देखिए एटीपी का कन्वर्जन एडीपी में हो रहा है, तो यहाँ पे तो एटीपी हम एक एटीपी को लॉस कर रहे हैं, ठीक है, 1 एटीपी गेट लॉस है। अब यहाँ पे भी देखिए 1 एटीपी गेट कन्वर्टेड टू एटीपी, सॉरी 1 एटीपी गेट कन्वर्टेड टू एडीपी, सो हेयर ऑल्सो वी गेट 1 लॉस ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे एटीपी और एडीपी का फुल फॉर्म होता है, एटीपी मतलब एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट और एडीपी मतलब एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। तो यहाँ पे हमने एक एटीपी मॉलिक्यूल को लूज कर लिया, यहाँ पे भी हम एक एटीपी मॉलिक्यूल को लूज कर दिया हुआ है। और आप एक एक कंसीडर कर लो, मतलब यहाँ पे हमने देखे ये एक ऐसी जगह है, यहाँ पे हमने एटीपी को लूज किया हुआ है, और ये भी एक ऐसी जगह है यहाँ पे हमने एटीपी को लूज कर दिया हुआ है। अब यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे दो एडीपी में से दो एटीपी मिल रहे हैं, सो हेयर वी गेट 2 ATP gain, and here also ADP get converted into ATP, so here also we 2 ATP get gain. तो finally अगर हम ये देखें तो glycolysis में हमें 4 ATP gain होते हैं और 2 ATP का क्या होता है, loss. So finally net profit क्या है, net profit, तो नेट प्रॉफिट इज 2 एटीपी मॉलिक्यूल। तो ये देखिए सेकंड स्टेटमेंट, ग्लाइकोलिसिस प्रोड्यूसेस नेट एटीपी टू मॉलिक्यूल, तो ये वाला स्टेटमेंट सही है। सी, ग्लाइकोलिसिस स्टार्ट्स अ ब्रेकडाउन ऑफ एसिटिल कोए। तो ग्लाइकोलिसिस में ये बोल रहे हैं कि एसिटिल कोए को हम ब्रेक करते हैं, नहीं, ग्लाइकोलिसिस में हम ग्लूकोज मॉलिक्यूल को ब्रेक करते हैं। तो ये वाला स्टेटमेंट जो है वो गलत है बिल्कुल,
फोर्थ ग्लाइकोलिसिस यील्ड 34 एटीपी आउट ऑफ 38. तो टोटल ग्लाइकोलिसिस में ये बोल रहे हैं कि 34 एटीपी मिलते हैं आउट ऑफ 38. तो एक्चुअली अगर आप ये देखो ग्लाइकोलिसिस प्लस क्रेब साइकल एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन. तो ग्लाइकोलिसिस में से हमें 2 एटीपी मिलते हैं, क्रेब साइकिल में से हमें 2 एटीपी मिलते हैं और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में से हमें 34 एटीपी मिलते हैं. सो टोटल हमें 38 एटीपी मिलते हैं. लेकिन 38 एटीपी में से ग्लाइकोलिसिस में सिर्फ 2 एटीपी मिलते हैं, 34 नहीं मिलते हैं. तो डी ऑप्शन भी गलत है. तो हमारा आंसर सिर्फ सेकंड है. ग्लाइकोलिसिस प्रोड्यूसेस नेट एटीपी 2 मॉलिक्यूल. नेक्स्ट द नेचुरल प्लेस वेयर एनिमल्स आर वेल प्रोटेक्टेड. एनिमल्स आर वेल प्रोटेक्टेड एंड प्रिजर्व एंड ऑल्सो अलाउड टू ब्रीड इज नोन एज. मतलब क्वेश्चन ऐसा पूछा गया कि ऐसी कौन सी नेचुरल जगह है जहाँ पे एनिमलों को प्रोटेक्ट किया जाता है, एनिमलों को प्रिजर्व किया जाता है और प्लस उनको रिप्रोडक्शन करने के लिए मतलब ब्रीडिंग फैसिलिटी भी प्रोवाइड की जाती है, ब्रीडिंग प्रोसेस भी करने के लिए परमिशन दी जाती है. परमिशन आई मीन टू से एनवायरमेंट दिया जाता है. तो क्या उसे हम जूलॉजिकल पार्क कहते हैं, बायोलॉजिकल म्यूजियम कहते हैं, या तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहते हैं, या तो फॉरेस्ट कहते हैं. फॉरेस्ट सही आंसर हो सकता है, लेकिन फॉरेस्ट में हम एनिमलों को प्रोटेक्ट नहीं करते. अब फॉरेस्ट में एक एनिमल दूसरे एनिमल को इजीली खा सकता है, तो इसे हम ऑब्वियसली फॉरेस्ट में एक एनिमल दूसरे एनिमल को खा सकता है या वहाँ पे प्रिजर्वेशन होने के भी चांसेस नहीं है और ब्रीडिंग के चांसेस है लेकिन प्रिजर्व करने के लिए और प्रोटेक्शन करने के लिए चांस नहीं. तो हमारा डी ऑप्शन जो है वो तो गलत हो जाएगा. उसके बाद हम देखें ए ऑप्शन जूलॉजिकल पार्क. तो जूलॉजिकल पार्क ऐसे एक ऐसा प्लेस होता है जहाँ पे हम एनिमलों को कलेक्ट करते हैं, एनिमलों को स्टोर करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, ब्रीडिंग करने के लिए परमिशन देते हैं. लेकिन ये नेचुरल प्लेस नहीं, हम जूलॉजिकल पार्क हम एक जंगल जैसा आर्टिफिशियल बना सकते हैं तो वो जूलॉजिकल पार्क होता है. तो ये भी गलत है. बायोलॉजिकल म्यूजियम, बायोलॉजिकल म्यूजियम में हम एनिमलों को जिंदा एनिमलों को प्रिजर्व नहीं रखते, हम एनिमलों को डेड एनिमलों को प्रिजर्व करते हैं. तो ये ऑप्शन भी गलत है. सी सही ऑप्शन है हमारा सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. ये देखिए मैं आपको इंडिया की सबसे फेमस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बता रहा हूँ, ये है गिर फॉरेस्ट. जनरली कहाँ पे पाया जाता है, गिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. तो आप कहोगे सर तो अभी आप तो कह रहे हो फॉरेस्ट, एक्चुअली क्या है जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होती है ना, अब ये समझ लीजिए आप ये है फॉरेस्ट. ठीक है, तो फॉरेस्ट में ये वाली जगह है जहाँ पे टाइगर्स ज़्यादा है. तो हमने इस जगह को क्या नाम दे दिया है, हमने इस जगह को नाम दिया हुआ है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. तो ऐसे हमने वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्यों कहा, ये देखिए ये वाला फॉरेस्ट पूरा है लेकिन इस फॉरेस्ट में हमने एक बाउंड्री बना ली है और इस बाउंड्री के अंदर कोई भी नहीं जा सकता. अगर कोई ऐसे टूरिस्ट लोग जाते हैं तो उनको कोई स्पेसिफिक गाइड के साथ ही जाना पड़ेगा. ठीक है, वो डायरेक्टली नहीं जा सकते, कोई भी टूरिस्ट डायरेक्ट नहीं जा सकते, उनको गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के ऑफिस में से परमिशन लेनी पड़ेगी. उसके साथ गाइड होगा, उसके साथ स्पेशली ऐसी जीप होगी जिसमें कोई एनिमल डायरेक्टली अटैक ना कर सके. और गाइड होना काफ़ी ज़रूरी है बिकॉज ये एनिमल जो है वो काफ़ी खूंखार एनिमल है, मतलब एनिमलों को ह्यूमनों को खा सकते हैं, इसके लिए इसे हम कहते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. तो ये है क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ हम बढ़ते हैं. मोनोहाइब्रिड क्रॉस प्रोड्यूसेस रेशियो. मोनोहाइब्रिड क्रॉस कौन सा रेशियो प्रोड्यूस करता है, तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस हम करके देखते हैं. ये देखिए हमारे सामने है रेड फ्लावर कैपिटल आर, और ये है हमारे सामने वाइट फ्लावर स्मॉल आर. तो अगर हम इनको क्रॉस करें आपस में तो ये देखिए यहाँ से एक कैपिटल आर निकल के आएगा और यहाँ से एक स्मॉल आर निकल के आएगा. और अगर हम इनको सेल्फ क्रॉस करें, अब ये वाले कौन है, ये है P1 जनरेशन आई मीन टू से पेरेंट्स वन, और ये है P1 मतलब पेरेंट्स वन, और ये उनमें से क्या निकल के आ गए, ये निकल के आ गए फिलियल जनरेशन वन. तो F1 है हमारे सामने कैपिटल आर. अगर हम कैपिटल आर और स्मॉल आर को कैपिटल आर स्मॉल आर के साथ सेल्फ क्रॉसिंग करते हैं, मतलब क्या करते हैं,
सेल्फिंग कर दें, या तो उसे हम कह सकते हैं सेल्फ क्रॉसिंग। सेल्फ क्रॉसिंग का ही मतलब सेल्फिंग होता है। तो ये कैसे करेंगे हम, ये देखिए, हम एक पुनेट स्क्वायर निकालेंगे। पुनेट स्क्वायर को हम चेकर बोर्ड भी कहते हैं। ये देखिए, मैं आपको कलर चेंज कर लेता हूँ। ये देखिए, ये है पुनेट स्क्वायर। ये पुनेट स्क्वायर में हमने अरेंज कर लिए हैं। ये देखिए कैसे अरेंज करेंगे, ये वाला कैपिटल आर हम लिखेंगे यहाँ पे, और ये वाला स्मॉल आर हम लिखेंगे यहाँ पे, और ये वाला कैपिटल आर हम लिखेंगे यहाँ पे, और ये वाला स्मॉल आर हम लिखेंगे यहाँ पे। तो देखिए, कैपिटल आर, कैपिटल आर, फिर कैपिटल आर, स्मॉल आर, फिर ये देखो स्मॉल आर, स्मॉल आर, स्मॉल आर, और फिर ये है एक मिनट, ये देखिए यहाँ पे हमने कैपिटल आर दिया, फिर हमने ये कैपिटल आर, स्मॉल आर दिया, फिर ये कैपिटल आर लिखेंगे हम यहाँ पे, और फिर ये स्मॉल आर लिखेंगे, और ये स्मॉल आर, स्मॉल आर। सॉरी गाइस, मेरा ध्यान कहीं और था थोड़ा, एक्सट्रीमली सॉरी। तो ये है हमारे सामने एफ टू जनरेशन। तो अब हमें क्या निकालना है, एफ टू जनरेशन का रेशियो निकालना है ना, तो हमें रेशियो निकालना है। तो एफ टू जनरेशन में जो फिनोटाइपिक रेशियो आता है, फिनोटाइपिक रेशियो कैसे आता है, ये देखिए, वन क्या है, वन है रेड, और ये वाला वन क्या है, ये वाला है वन वाइट, और ये दोनों क्या है, ये है पिंक, लेकिन पिंक हम किस में कंसिडर करेंगे, रेड में। तो रिजल्ट क्या आएगा, 3:1। तो देखते हैं 3:1 रिजल्ट है, यस। तो ये वाला गलत है, 1:3, 9:7 गलत है, 9:3, 3:1 ये डायहाइब्रिड में आता है। मोनोहाइब्रिड का जो रिजल्ट होता है वो होता है 3:1। तो ये वाला सही आंसर है। ये देखिए हमारे पास डायग्राम भी है, लेकिन मैंने फिर भी आपको करके बताया। ये देखिए हमारे सामने तीन ब्लू कलर के आ गए, पर्पल पर्पल है वो एफ टू में, 3:1 आ गया हमारा। अब ये देखिए लास्ट वाला क्वेश्चन है हमारे सामने आज का। मैच द ऑर्गेनेल ऑफ कॉलम वन। ये कॉलम वन में ऑर्गेनेल दिए हुए हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी एपरेटस, लाइसोसोम, न्यूक्लियस, विथ देयर फंक्शन इन कॉलम टू। तो कॉलम टू में उनके फंक्शन दिए, उनको हमें मैच करना है। तो माइटोकॉन्ड्रिया का काम होता है एटीपी प्रोडक्शन करना, गोल्गी एपरेटस का काम होता है प्रोटीन फोल्डिंग करना, और लाइसोसोम का काम होता है डाइजेस्टिव बॉडी प्रोड्यूस करना, और न्यूक्लियस का काम होता है जेनेटिक मटेरियल स्टोर करना। तो देखिए माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो एटीपी सिंथेसिस करता है, सिंथेसिस ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल, तो इसको हम कंपेयर करेंगे एस के साथ। और गोल्गी एपरेटस जो है वो हम कंपेयर करेंगे, गोल्गी एपरेटस प्रोटीन फोल्डिंग। तो देखिए सेकंड का है क्यू के साथ। तो ये देखिए हमें पहले माइटोकॉन्ड्रिया का वन का हमें एस के साथ ज्वाइंट करना है। तो वन का एस के साथ थ्री में भी ज्वाइंट हो रहा है, और फोर में भी, मतलब सी और डी में दोनों में ज्वाइंट हो रहा है। और गोल्गी एपरेटस जो है सेकंड का, वो हमें क्यू के साथ ज्वाइंट करना है। तो सेकंड का, ओ माय गॉड, यहाँ पे देखिए सेकंड का क्यू दोनों में ज्वाइंट हो रहा है। एक हमेशा याद रखिए, जब भी आप कॉलम वन और कॉलम टू मैच करते हो तो आपको ये याद होना चाहिए कि कम से कम आपको इनमें से तीन ऑप्शन तो करेक्ट निकाल के आना ही चाहिए। क्योंकि देखो हमने यहाँ पे मैच कर लिया माइटोकॉन्ड्रिया का सिंथेसिस ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल है, तो ये सी में भी और डी में भी मैच कर रहा है, और उसके बाद हमने गोल्गी एपरेटस का निकाल लिया प्रोटीन फोल्डिंग, तो वो हमारा सेकंड, मतलब सी और डी दोनों में आगे कंटिन्यू बढ़ रहा है। अब हमें लाइसोसोम और न्यूक्लियस, मतलब मुझे तो चारों का मतलब पता है, चारों का फंक्शन मैंने आपको समझा भी दिया, लेकिन एग्जाम में जब आप चाहोगे तो आपको कोई समझाने वाला नहीं होगा। स्टूडेंट्स, आप समझ रहे हैं मेरी बात, आपको कोई समझाने वाला नहीं होगा, तो उस वक्त आपको ये खुद नहीं करना है। तो लाइसोसोम क्या करते हैं, लाइसोसोम डाइजेस्टिव एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं। तो हमें थर्ड का पी के साथ ज्वाइन करना है, तो देखो थर्ड का पी के साथ यहाँ पे है थर्ड पी, और न्यूक्लियस का काम है जेनेटिक इंफॉर्मेशन स्टोर करना, तो फोर का आर के साथ, फोर का आर के साथ। तो ये देखिए ये गलत, ये गलत, ये गलत, सही वाला आंसर निकल के आ जाता है सी। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।
अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आपको ये जो मैंने अभी टीचिंग किया हुआ है आपको, अगर आपको उसकी PDF चाहिए तो प्लीज़ मुझे इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कीजिए। और ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस नंबर पे अगर आप मुझे व्हाट्सएप करते हो, आप मुझे मैसेज कीजिए कि सर प्लीज़ सेंड मी द PDF फाइल ऑफ अ DPP 5, प्लीज़ सेंड मी द PDF फाइल ऑफ अ DPP 5, तो मैं आपको व्हाट्सएप जल्दी करूँगा। मतलब अगर आप मुझे मैसेज करते हो तो ज़रूरी मैं आपको तभी रिप्लाई करूँ, लेकिन कुछ देर में आपको 2-4 घंटे में आपको ज़रूर मैं रिप्लाई करूँगा। प्लीज़ गाइस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि हमारी हर नई वीडियो आप तक पहुँचते रहे और आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। यस गाइस, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, इट वॉज अ नाइस डे।